नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर द्रमण और मैं हूँ आपका जानकार जानकार। ओरल हेल्थ जान के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि ओरल पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ओरल पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं और क्या करते हैं। ये इन्होंने जो है MDS करी होती है ओरल पैथोलॉजी में। बेसिकली जैसे कि आपकी नॉर्मल जनरल पैथोलॉजी होती है, वैसे आपकी ओरल पैथोलॉजी होती है, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य से जो है रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो है कोई लीजन होता है, जैसे मौखिक त्वचा में कोई लीजन्स हो जाते हैं, लाइकन रिएक्शन हो गया, लाइकन पैनस हो गया, OSMF हो गया, ओरल कैंसर हो गया, तो इन सब चीज़ों को जो है जो इनका जो स्टडी होती है उसके लिए जैसे भी कोई भी चीज़ बायोप्सी करते हैं उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं, जो मैंने बायोप्सी पे एपिसोड बनाया है, हर चीज़ का जो है आपका जो है अल्टीमेट पुष्टिकरण और स्पष्टीकरण जो है वो आपका जो है बायोप्सी के बाद जो है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के नीचे देख के पता चलता है। तो ओरल पैथोलॉजिस्ट ये MDS इन ओरल पैथोलॉजी होते हैं जिनकी इसमें बहुत रुचि होती है। इनको राइट फ्रॉम डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी, यानी कि जो टिश्यू साइंस है आपके दांतों की और आपके मसूड़ों की और आपके जितने भी मौखिक त्वचा के जो भाग हैं, उन सब के जो है टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन हेल्थ और डिजीज़ सब पता होता है। और जितने भी बार जो है हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें हमें क्लिनिकल तरीके से डायग्नोसिस नहीं पता चल पाता है, उस केस में जो है हम या तो बायोप्सी करते हैं या जो है कोई सैंपल भेजते हैं, एक्सपोरेटिव साइटोलॉजी करते हैं, फ्रोजन सेक्शन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है ऑब्जर्व करते हैं, जिससे जो है उसका जो है पुष्टिकरण वो ओरल पैथोलॉजिस्ट कर सकता है, जो क्लिनिकल कोरिलेशन से जो है तालमेल बैठाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है बहुत सारे डेंटल एनाटमी के कार्विंग में, और इनको जो है जितने भी मार्कर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ के मार्कर्स होते हैं, साइटोलॉजिकल मार्कर्स कहते हैं, यानी कि कुछ कुछ श्रेणी ऑफ रोग में जो है क्या कहते हैं आपके मार्कर्स बढ़ते हैं कम होते हैं, जैसे कि ट्यूमर में कुछ मार्कर्स बढ़ जाते हैं, कोई डिजीज़ प्रोसेस में कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वायरल प्रोसेस में जो है कुछ मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ये साइटोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं जिसकी रुचि सिर्फ और सिर्फ ओरल पैथोलॉजिस्ट एंड थोड़ा बहुत जो है ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट को, उनको पता होता है कि कौन से डिजीज़ प्रोसेस में जो है कौन से रोग में कौन सा मार्कर बढ़ जाता है, इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि इसको बचाने के क्या करने के तरीके हो सकते हैं, कौन सा जीन पे जो है ये बहुत मॉलिकुलर बेसिस की एक बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट साइंस होती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड साइंस है, और इनको जो है क्लिनिकल कोरिलेशन भी आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो है रिसर्च में बहुत जो है इनकी रुचि होती है, रिसर्च बहुत करते हैं ताकि मॉलिकुलर बेसिस पे हमें जो है जो भी रोग हमारे साथ हो रहे हैं उसके साथ जो है उसके सोल्यूशन या समाधान या प्रिवेंशन का जो है एक तरीका जो है हमें मिल जाए, तो ये इसमें काफ़ी कारगर रहते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे काइंडली डायरेक्टली ना कॉल करें क्योंकि मैं हो सकता है बिजी हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, एप्रीहेंशंस, डाउट्स या कोई इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।